अतिरिक्त वात के जो अपने गुण कर्म है उनसे विपरीत उल्टी चिकित्सा करनी चाहिए। वात को सभी दोषों में प्रधान माना गया है। पित्त और कफ में भी वायु की गति प्रदान करता है, इसीलिए ध्यान रखिए कि वायु दोष को साम्य अवस्था में रखने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। इसकी दृष्टि से कुछ उपयोग हैं, जो प्रयोग हैं, जो हमको करना जरूरी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। पहला कार्य हमको करना चाहिए स्नेहन, यानी कि स्निग्ध पदार्थ जो घी तेल वसा मज्जा ये जो सेवन है ये वायु को नहीं बढ़ाते हैं। स्निग्धता आती है जैसे गर्म जल से नहाना है या मालिश आदि करना है या एनिमा आदि देना है या कहीं पर भी सिकाई वगैरह करना है या जैसे टब आदि में बैठना है जिसको अवगाहन हम लोग कहते हैं, गर्म पदार्थों का प्रयोग करके जैसे पसीना लाना है जैसे, और मृदु विरेचन थोड़ा सा दस्त आदि के पेट साफ करने वाले चीज़ों को लेना है तो जिसमें थोड़ा सा नमक नींबू वगैरह डाल के पानी पी करके भी हम उसको मल बाहर निकल जाए ये उपाय कर सकते हैं। रोग वाले अंगों पर हमें पोटली बना करके जैसे सेंधा नमक है या उसमें सौंठ है या रेत है उसको मिला करके हम उसको गर्म कर करके सिकाई कर सकते हैं। नस से में जैसे षडबिंदु तेल आदि तो कफज रोगों में काम करता है तो हम अणु तेल आदि को डालना, सरसों का तेल डाल करके ऊपर खींचना, फिर मालिश वगैरह करना या हाथों को मालिश वगैरह के साथ में दबाना, ये सब उपाय हैं। फिर वातहर औषधियों की जैसे मालिश तेलों की मालिश के साथ साथ में इस तरह के काढ़ों का सेवन करना, अलग अलग रोग के हिसाब से हम अनेक रोगों को अनेक औषधियों के विषय में भी हम आपको बताएंगे। तो विशेष कर करके जो पाचक हैं दीपक जो औषधियाँ हैं जो शरीर में जो स्टूमुलेट करने वाली जो चीज़ें हैं जो उत्तेजना को पैदा करने वाली चीज़ हैं वात को शांत करने वाली जो चीज़ हैं इनको औषधियों को या इस तरह के पदार्थों का हम सेवन करें। और भोजन के रूप में जैसे गेहूं है तिल अदरक लहसुन गुड़ है इसको डाल करके जो बनाए गए द्रव्य हैं इनको ले सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि एनिमा आदि का प्रयोग कर सकते हैं। रोग व परिस्थिति के अनुसार मानसिक उपचार भी कि बहुत ज़्यादा हमको सजग रहना, मानसिक रूप से मजबूत रहना। और मैं विशेष बात कहूँ कि वायु से विविध रोग होते हैं, वायु का संबंध प्राण से, प्राणायाम को इसके द्वारा प्राण को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें हालांकि तेल आदि पदार्थों का या फैट युक्त मांसाहारी लोगों के लिए कई बार आयुर्वेद में ऐसा भी कहा गया कि मांस रस आदि का सेवन भी, हालांकि योग की दृष्टि से देखें आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो उसको हम उचित नहीं मानते हैं, तो फिर भी ऐसा हो तो थोड़े उसमें वो ले सकते हैं। तो क्योंकि मांसाहार से आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के अभी भी जो COVID-19 है उसमें भी कहीं ना कहीं मांसाहार का कारण माना गया है, इसीलिए मांसाहार से बचिए। बाकी शाकाहार से ही आप अपने उपाय और रोगों की निवृत्ति के साधन को ढूंढिए। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग साधारण आहार लेकर के सावधानी पूर्वक शरीर के शोधन के साथ में और मालिश आदि के उपायों से एनिमा आदि से जैसे नीचे का अधोभाग का जो शुद्धि से हम अपने आप को ठीक रखें। इस तरह से हमने जाना कि वात प्रकोपित किन कारणों से होता है, वात प्रकोपित होने के लक्षण क्या हैं और इनको किस तरह से हम वात को ठीक कर सकते हैं। तो इन सावधानियों को अपना करके प्रकोपित वात को ठीक करिए। और वायु दोष नहीं है, वायु धातु है, वायु शक्ति है, वायु प्राण है, हमने इसको समझा।